ओम ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्नुमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वदांतिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्री उत्पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साध्वितम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदय देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आइए मेरे प्रेमी बहन भाइयों, श्रीमद् भागवत गीता के सत्संग समारोह में हार्दिक स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका। श्रीमद् भागवत गीता परम आनंद का शास्त्र है। जो भागवत गीता की शरण में रहते हैं उनके घर में से कभी भी आनंद विदा नहीं होता, यह मेरा अनुभव है, संतों का अनुभव है। ये भगवान की वाणी है, भगवान की प्रतिज्ञा है। इसमें जो गीता की शरण लेते हैं वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं और इस संसार में आनंदित रहते हैं। ना जाने क्यों लोग अमृत के कलश से दूर हटते जा रहे हैं और जहर के कलश में मुंह टिका रहे हैं। जमाना बदल गया है, कलयुग का प्रहरा है। चेंजिंग इज द लाइफ। ये दुनिया में बदलाव आने से ही ये सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग का समय का डिवीजन विभाजन हो जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी बदलाव आता है, बचपना जवानी बुढ़ापा और मृत्यु। इस संसार का भौतिक दुनिया का विधान है, धर्म है बदलाव आना। छह विकारों से ग्रस्त है ये सारा ब्रह्मांड। जन्म लेता है, बढ़ता है, बड़ा होता है, फैलता है, प्रोड्यूसिंग बच्चे पैदा करता है, दूसरे प्लैनेट्स पैदा करता है, ग्रह उपग्रह पैदा करता है। हम भी बच्चे पैदा करते हैं। कुछ समय के लिए स्थिर रहता है,
फिर इस डुंडलिंग यानी बुढ़ापे की ओर जाता है, जीर्ण होने लगता है, कुछ इसमें बीमारियां प्रकट होती हैं। जैसे आज बीमारियां प्रकट हो रही हैं, कैंसर फैल रहे हैं, एड्स की बीमारियां, एड्स फैल रही है, डायबिटिक्स, कैंसर, नाना प्रकार के रोग फैल रहे हैं, वातावरण दूषित हो रहा है, भूमि को, भूमि की शुद्धता खत्म कर दी गई है, नाना प्रकार के फर्टिलाइजर्स डाल डाल कर नदियों को अपवित्र करती है, कर दिया है, पृथ्वी में फैक्ट्रियों के और विषैली गैसों ने सागरों को मलिन कर दिया है। ये पृथ्वी की दशा है, फिर ये ब्रह्मांड में तो अनंत पृथ्वी है, हजारों हजारों गैलेक्सीज, तो समय के अनुसार ये बदलाव आते हैं, बुढ़ापा आता है, जीर्ण होता है, बीमारियां आती है, और फिर एक दिन अनाइलेशन होती है, प्रलय होती है, मृत्यु आती है सबकी, ब्रह्मांड की, पृथ्वी की, आपकी, हमारी, सबकी। तो ये छह विकारों से ग्रस्त है भौतिक संसार, विकार मुक्त नहीं है, विकार युक्त है। विकार मुक्त होना है तो ये भौतिक संसार से दूर जाना पड़ेगा, और भौतिक संसार से दूर जाने का मतलब यह है कि आपको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना चाहिए। अंग्रेजी में इटर्निटी कह के बोला है, शास्त्र में वैकुंठ जिसको बोला है, जहां कोई कलेश व्याधि विकार नहीं, जहां जीवन स्थिर है, इटर्नल है, हर वस्तु इटर्नल है, समय भी वहां का इटर्नल है। भौतिक संसार का समय भौतिक है, वो इटर्नल समय है। भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन के विषय में सभी को बोल रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन उनका शिष्य है, प्रिय शिष्य है, प्रिय शिष्य को जितनी प्रिय बात और रहस्य सारे भेद खोल सकता है एक गुरुजी सद्गुरु, ऐसा हर एक शिष्य को नहीं खोलता। तो प्रिय शिष्य भी है, ऐसा प्रिय शिष्य कि वो सखा भी है, मित्र भी है, गुरुजी का मित्र भी है। तो फिर गुरुजी सभी सबसे रहस्य भरी, रहस्यति रहस्य भरी बातों को अपने शिष्य अर्जुन को कह रहे हैं, गुरु स्वरूप से कृष्ण भगवान। तो उसका लाभ अर्जुन को ही नहीं, जो भी इस वार्तालाप को कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में जो भी वार्तालाप हो रही है, इनको जो सुनता है, पढ़ता है, उन सबको लाभ मिलता है, मिलता रहेगा। समय के अनुसार लोग कभी भगवान से दूर होते चले जाते हैं तो अंधकार आता है। भगवान सूर्य के समान है, जब भगवान की ओर चलते हैं लोग तो प्रकाश आता है, तो सत्युग आता है, त्रेता आता है, जैसे जैसे दूर जाते हैं द्वापर आता है, और दूर चले जाते हैं भगवान से तो कलयुग आता है, अंधकार आता है, अज्ञान आता है। तो फिर आदमी क्या करता है, एटम बनाता है, तमाम जानवरों को और यहां तक भी मनुष्यों को मनुष्य मार के खाता है, बहन बेटियों का पता नहीं चलता, कौन बहन है कौन बेटी है, कहीं भी जहां मन करे संभोग करता है।